इसराइल की तरह भारत भी पाकिस्तान चीन के मिसाइलों को कर सकता है धुआं धुआं। जाने कैसे इसराइल पर ईरान के हवाई हमलों ने एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत को दुनिया के सामने उजागर किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत भी इसराइल की कई एयर डिफेंस सिस्टमों का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा भारत के पास रूसी और स्वदेशी मूल के भी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। ऐसे में देखें, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की पूरी लिस्ट इसराइल पर ईरान के हवाई हमले को विफल करने में एयर डिफेंस सिस्टम ने प्रभावी भूमिका अदा की है। इजरायली सेना ने रविवार को कहा कि ईरान द्वारा दागे गए 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइल में से 99% से अधिक को मार गिराया गया। इस घटना ने शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत को पूरी दुनिया के सामने रखा है। वर्तमान में इसराइल के पास दुनिया के कुछ सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। इन एयर डिफेंस सिस्टमों को मिलाकर इसराइल ने एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम IADS तैयार किया है। इसमें छोटी दूरी से लेकर लंबी दूरी तक के हवाई खतरों से बचाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। भारत भी इसराइल की तरह की चीन और पाकिस्तान से दोतरफा खतरे का सामना कर रहा है। ऐसे में भारत ने भी अपने दुश्मनों के मिसाइल हमलों से बचने के लिए बड़ी तैयारी की हुई है। इसराइल की मिसाइल रक्षा प्रणाली की सफलता का भारत पर बड़ा प्रभाव है। भारत की मिसाइल रक्षा के कई प्रमुख घटक इसराइली मूल के हैं। ग्रीन पाइन रडार के वेरिएंट, जो इजरायली एरो मिसाइलों के लिए दुश्मन के मिसाइल लॉन्च का पता लगाते हैं, का उपयोग भारत की अपनी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में किया जाता है। LRSAM और MRSAM संयुक्त भारत इजरायल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। कोलकाता और विजाग श्रेणी के विध्वंसक जहाजों पर MFSTR रडार इजरायली है। छोटी दूरी का SPIDER-SAM सिस्टम भी इजरायली है। भारत ने रूसी S-400 प्रणाली और स्वदेशी आकाश प्रणाली को एक समग्र वायु रक्षा नेटवर्क में शामिल किया है, जिसमें इजरायली मूल की मिसाइलें, सेंसर और सिस्टम शामिल हैं। भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम कारगिल युद्ध के बाद भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचने के लिए भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पाकिस्तान और चीन से बैलिस्टिक मिसाइल खतरे के मद्देनजर पेश की गई। यह एक डबल स्तरीय प्रणाली है जिसमें दो भूमि और समुद्र आधारित इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं। इसमें ऊंचाई पर दुश्मन की मिसाइलों और विमानों को मार गिराने के लिए पृथ्वी वायु रक्षा PAD मिसाइल और कम ऊंचाई पर मौजूद लक्ष्यों को मारने के लिए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। ये दो स्तरीय ढाल 5000 किलोमीटर दूर से लॉन्च की गई किसी भी आने वाली मिसाइल को रोकने में सक्षम है। इस प्रणाली में प्रारंभिक चेतावनी और ट्रैकिंग राडार के साथ साथ कमांड और नियंत्रण पोस्ट का एक ओवरलैपिंग नेटवर्क भी शामिल है। पृथ्वी वायु रक्षा PAD मिसाइल पृथ्वी एयर डिफेंस PAD एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे वायुमंडल एक्सो वायुमंडलीय के बाहर आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए विकसित किया गया है। इसकी परिचालन सीमा 300 किमी 2000 किमी है। इसकी अधिकतम अवरोधन ऊंचाई 80 किमी है। इसे इंटरमीडिएट क्रूजिंग फेज में आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। Mach 5 से अधिक की अधिकतम गति के साथ PAD मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए पर्याप्त तेज है। एडवांस ईयर डिफेंस AD मिसाइल एडवांस ईयर डिफेंस AD एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे 30 किमी 19 मील की ऊंचाई पर एंडो वातावरण में आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यह उन लक्ष्यों के लिए है जो किसी तरह PAD से पार हो जाते हैं। यह एक द्वितीयक परत है जो PAD को समर्थन प्रदान करती है। AAD की परिचालन सीमा 150 किमी से 200 किमी है। इसकी अधिकतम गति Mach 4.5 है। AAD एक एकल चरण सिलिकॉन युक्त कार्बन जेट वेन वाली ठोस ईंधन वाली मिसाइल है। मार्गदर्शन स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी साधक वाले PAD के समान है। यह जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली INS ग्राउंड आधारित रडार से मध्य कोर्स अपडेट और टर्मिनल चरण में सक्रिय रडार होमिंग का इस्तेमाल करता है। कम दूरी का अवरोधन 100 किमी से कम। भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रणालियां संचालित करती हैं। इनमें मुख्य रूप से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें SAM जैसे आकाश SAM, S-125 पेचोरा, स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम आदि शामिल हैं। S-125 पिचोरा सोवियत मूल की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। बहुत लंबे समय से यह प्रणाली भारतीय वायु सेना की वायु रक्षा की रीढ़ रही है। यह प्रणाली 60 वर्ष पुरानी है
क्योंकि इसे पहली बार 1961 में सोवियत संघ द्वारा सेवा में शामिल किया गया था। इस प्रणाली ने लगभग हर आधुनिक संघर्ष में भाग लिया है। आईएएफ पिकोरा के 25 स्क्वाड्रन संचालित करता है, यह 20 किमी की रेंज में प्रभावी है। आकाश वायु रक्षा प्रणाली। आकाश एक मध्यम दूरी की मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है, और यह मिसाइल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है। यह मिसाइल प्रणाली 48 किमी दूर 18,000 मीटर तक की ऊंचाई पर विमान को निशाना बना सकती है। इसमें लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे हवाई लक्ष्यों को बेअसर करने की क्षमता है। आकाश बैटरी में एक राजेंद्र थीड़ी निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए एरे रडार और 3 मिसाइलों वाले 4 लॉन्चर शामिल हैं, जो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। प्रत्येक बैटरी 64 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और उनमें से 12 पर हमला कर सकती है। स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम स्पाइडर, सतह से हवा में मार करने वाला पायथन और डर्बी, एक इजरायली छोटी और मध्यम दूरी की मोबाइल वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ने इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज II की सहायता से विकसित किया है। स्पाइडर एक निम्न स्तरीय त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जो विमान, हेलीकॉप्टर, मानव रहित हवाई वाहन, ड्रोन और सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री को निशाना बनाने में सक्षम है। यह अचल संपत्तियों के लिए हवाई सुरक्षा और युद्ध क्षेत्रों में मोबाइल बलों के लिए बिंदु और क्षेत्र की रक्षा प्रदान करता है। स्पाइडर लॉन्चर को सतह से हवा में मार करने वाली पायथन 5 और डर्बी मिसाइलों को फायर करने के लिए डिजाइन किया गया है। IAF वर्तमान में स्पाइडर का एक स्क्वाड्रन संचालित करता है और उसने 4 और स्क्वाड्रन के लिए ऑर्डर दिया है। 9K33 ओसा AK 9K33 ओसा सोवियत संघ में डिजाइन की गई एक अत्यधिक मोबाइल कम ऊंचाई कम दूरी की सामरिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ओसा पहली मोबाइल वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली थी, जिसमें एक ही वाहन पर अपने स्वयं के रडार शामिल थे। 9K33 के सभी संस्करणों में ऑल इन वन 9A33 ट्रांसपोर्टर लॉन्चर और रडार वाहन हैं, जो स्वतंत्र रूप से या रेजिमेंटल निगरानी रडार की सहायता से विमान का पता लगा सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और इंगेज कर सकते हैं। 2K12 कुब 2K12 कुब सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसे जमीनी बलों को हवाई हमले से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रत्येक 2K12 बैटरी में कई समान ट्रैक किए गए वाहन होते हैं, जिनमें से एक 1S91 25 किलोवाट GH बैंड रडार 5 किमी की रेंज के साथ, एक ऑप्टिकल विजन के अलावा एक कॉन्टिन्यूअस वेव इल्यूमेटर से सुसज्जित होता है। बैटरी में आमतौर पर 4 ट्रिपल मिसाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर, लॉन्चर TL और 4 ट्रक भी शामिल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 3 अतिरिक्त मिसाइलें और एक क्रेन होती है। बराक 8 मिसाइल सिस्टम। बराक 8 को लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक इंडो इजरायली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल SEM है, जिसे विमान, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइल और UAV सहित किसी भी प्रकार के हवाई खतरे से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और लड़ाकू जेट को भी मार गिरा सकती है। बराक 8 को इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज II, भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, इजराइल के हथियार और तकनीकी बुनियादी ढांचे के विकास प्रशासन, एल्टा सिस्टम्स, राफेल और अन्य कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL बराक 8 मिसाइलों का उत्पादन करती है। दोस्तों, ऐसी और भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी? धन्यवाद।